हाय एवरीवन, वेलकम टू शकुंथास लर्निंग। गाइस, आप सभी लोग मस्त होंगे, फर्स्ट क्लास अपनी कॉलेज लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। एक फेज था 12th क्लास के अंदर जब आप लोगों को एक बढ़िया कॉलेज के लिए फाइट करना था, तो आप लोगों ने बीएससी वगैरह के लिए कहीं पर भी अप्लाई किया होगा और बढ़िया कॉलेज से आप बीएससी कर रहे होंगे। अनफॉर्चुनेटली यदि आपको उस टाइम अच्छी परसेंटेज नहीं मिली थी, तो आप लोग किसी थर्ड टीयर वाली सिटी वाले कॉलेज से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहे होंगे। एक फेज फिर से आ गया है आप लोगों की जिंदगी में कि अब आप लोगों को मास्टर्स करना है, तो आप सभी लोग एक बढ़िया इंस्टीट्यूट, एक बढ़िया यूनिवर्सिटी की तलाश में हो कि हम वहां से अपना मास्टर्स कंप्लीट करें, तो बहुत बेहतरीन रहने वाला है। और ये बात बिल्कुल सच है कि यदि आपको ग्रेजुएशन किसी अच्छे कॉलेज से नहीं करी है, तो आपको मास्टर्स बहुत बढ़िया कॉलेज से करनी चाहिए, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। एक टीचर ने बोला था कि यदि आप किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से अपना ग्रेजुएशन या फिर मास्टर्स करते हैं, तो आपकी जो लाइफ का स्ट्रगल है वो 50% रिड्यूस हो जाता है। इसका मतलब यह है कि आपको एक ब्रांड के लिए आपको आगे जा करके इतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा, एक टैग आपको मिल जाएगा उस यूनिवर्सिटी का। तो आप लोगों को अभी एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा जिसका नाम है CUT PG 2023। जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं उनके थ्रू, उनमें आप लोग इस एग्जाम के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं। इस एग्जाम की तैयारी करना बहुत ही सिंपल है। आने वाले 3 महीने बहुत क्रिशियल रहने वाले हैं। यदि उन 3 महीनों में प्रॉपर तरीके से तैयारी करोगे, तो आपको बढ़िया यूनिवर्सिटी, बढ़िया कॉलेज मिलने से कोई नहीं रोक सकता। आप लोग इस एग्जाम की तैयारी सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं और किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के माध्यम से भी कर सकते हैं। वो कोचिंग इंस्टीट्यूट हमारा भी हो सकता है जिसका नाम है शकुंथास लर्निंग। आप हमारे कोर्सेज में भी इनरोल कर सकते हो। 1500 रुपए के अप्रोक्सीमेटली उसकी फीस होती है। मैथ्स की फीस 1000 रुपीज है। उस कोर्स के अलावा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक चीज है, वो है सेल्फ स्टडी। आप लोगों को जरूर करनी पड़ेगी, चाहे आप कोई कोर्स परचेज कर लो, चाहे आप अपने खुद किताबों से पढ़ रहे हैं, तो भी आप लोगों को सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी। और ये बिल्कुल फैक्ट बात है, आज लिखवा करके ले लो। कंसिस्टेंसी और प्रॉपर कंटेंट और प्लस में PYQs आपको बढ़िया यूनिवर्सिटी दिलवा देगी। आप सेल्फ स्टडी के थ्रू भी इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। अब आप लोगों को करना क्या है, सबसे पहले तो वेबसाइट से डाउनलोड कर लो सिलेबस, या फिर आप हमारे ऐप से या फिर हमारे टेलीग्राम से एक सिलेबस डाउनलोड कर लो। जैसे अभी मैं आपको ये सिलेबस दिखाता हूँ, ये मैथमेटिक्स का सिलेबस है। हमारा क्या है कि हम लोगों ने आप सभी के जो सिलेबसेस हैं उसको प्रॉपर तरीके से डिवाइड करके, सेक्शन वाइज, उसमें यूनिट वाइज प्रॉपर तरीके से उसको एक प्रॉपर फॉर्मेट में डिजाइन करके आप लोगों के सामने रखा है। इस मैथ्स का सब्जेक्ट, मैथ्स का सिलेबस आप लोगों को ये दिख रहा है, हर सब्जेक्ट का सिलेबस आप लोगों को मिल जाएगा। हर का मतलब जो जो कोर्सेज हम लोग प्रोवाइड करते हैं उन सभी एग्जाम्स का। और यदि हमारे पास सिलेबस नहीं है, तो आप वेबसाइट से सिलेबस करिए, उसको यूनिट वाइज डिवाइड करिए, उसका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन लिखिए कि एवरेज कितने मार्क्स इस यूनिट से पूछे जाते हैं, कितने क्वेश्चन के। तो यहाँ पर 10 क्वेश्चन इस लीनियर एलजेब्रा से पूछे जाते हैं। आपको करना कुछ नहीं है, ये सिलेबस प्रिंट आउट निकालो, अपनी स्टडी टेबल के सामने लगाओ और पढ़ना शुरू कर दो। वेक्टर स्पेसेस पढ़ो टॉपिक। आपने देखा कि हाँ, वेक्टर स्पेसेस हमने टॉपिक पढ़ लिया या फिर इसका लेक्चर अटेंड कर लिया, अच्छे से चीज हमें समझ आ गई, यहाँ पर टिक लगा दो। उसके बाद इसका PYQs प्लस में प्रैक्टिस। PYQs करने बहुत जरूरी है, प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है। PYQs करो, बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस करो इन क्वेश्चंस की जो हम कोर्सेज में आप लोगों को प्रोवाइड करते हैं कि हाँ भाई ये प्रैक्टिस कर लो। 25 के अप्रोक्सीमेटली क्वेश्चंस मिलते हैं हर यूनिट के, तो वो आप प्रैक्टिस कर लेंगे, प्लस में PYQs कर लेंगे, प्लस में माय यूनिट वाइज टेस्ट कर लेंगे। तो करीब करीब एक टॉपिक से आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए करीब 100 से 150 क्वेश्चंस आपको हमारी तरफ से मिल जाएंगे। तो आप PYQ और प्रैक्टिस कर दो, तो यहाँ पे टिक लगा दो। ऐसे हर इंडिविजुअल टॉपिक का करते जाओ टिक लगाते जाओ, करते जाओ टिक लगाते जाओ। आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा, हाँ मेरा सिलेबस कंप्लीट हो रहा है, खुद को मॉनिटर कर पाओगे और पूरा सिलेबस आप इस तरीके से कंप्लीट कर पाएंगे। एक चीज बता देता हूँ, इस एग्जाम को हल्के में मत लेना। बहुत से बच्चे सोच रहे हैं कि हम लास्ट के एक महीने में इसकी तैयारी कर लेंगे, और होता भी है, लास्ट ईयर भी बहुत से बच्चे लास्ट में आते हैं कि सर हम इस एग्जाम को इतने मार्क्स लाने हैं। अभी आप लोग शायद किसी टॉप यूनिवर्सिटी की सोच रहे होंगे, JNU की सोच रहे होंगे, BHU की सोच रहे होंगे, लेकिन एक फेज ऐसा आएगा आपके एग्जाम के एंड के अंदर, जब एग्जाम नजदीक होगा आप लोग सोचोगे यार हमारा कोई नियर बाई एक यूनिवर्सिटी है, फॉर एग्जाम्पल सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, इसी किसी नॉर्मल यूनिवर्सिटी में हमारा एडमिशन हो जाए, वही बहुत बड़ी बात है। इस यूनिवर्सिटी के लिए कितने मार्क्स चाहिए, ये सारी चीजें आप लोग हम लोगों से पूछ रहे होंगे। तो इससे बेहतर है कि आप लोग अपनी कोर्सेज में या फिर अपने एग्जाम से अभी से तैयारी शुरू कर दो। JNU, BHU, आप अच्छी यूनिवर्सिटीज में जाओ, DU में भी जाओ। इन CUT PG के थ्रू आप DU में भी एडमिशन ले पाएंगे, तो कोई आसान काम नहीं है DU में एडमिशन लेना, लेकिन आप लोगों को 3 महीने की मेहनत पूरी लगेगी इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो सेल्फ स्टडी के लिए सबसे बेहतर है कि आप लोग
अपनी किताबें देखो कि आपको कौन से सब्जेक्ट की, बाकी मैं इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स की भी एक सेल्फ स्टडी वीडियो लेकर के आऊंगा कि क्या क्या स्टडी मटेरियल आपको चाहिए, कहाँ कहाँ से आप लोग पढ़ सकते हो, उसकी भी एक डेडिकेटेड वीडियो आप लोगों को मिल रही होगी आने वाले समय में। तो आप अपना सिलेबस निकालिए, उस सिलेबस को कवर करते चलिए, अपने आप को मॉनिटर करिए कि 3 महीने में पूरा सिलेबस कवर करना है। आप देखेंगे कि 1 महीने बाद ही आपको लगेगा कि मैंने मोस्ट ऑफ द चीजें हैं वो कवर कर दी है। और लास्ट के 1 महीने में धमाकेदार प्रैक्टिस करना, PYQs निकालना, एग्जाम क्रैक करने से कोई नहीं रोक पाएगा। बहुत सिंपल एग्जाम आता है, सिंपल उनके लिए है जो 3 महीने 4 महीने मेहनत करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। तो बस फिलहाल की इस वीडियो में इतना ही। इसकी PDF आप लोगों को मिल जाएगी, ऐसे लीनियर मैथमेटिक्स का है, जूलॉजी का, सोशोलॉजी का, इंग्लिश का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, इन सभी की PDFs आप लोगों को मिल रही होंगी। तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर सकते हैं, CUET PG 2023 की हर अपडेट के लिए और हर गाइडेंस के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। आप सभी का सपोर्ट, आप सभी का प्यार हम लोगों को मोटिवेट करता है ये सारे काम करने के लिए। तो बस ऐसे ही प्यार बनाए रखिए और एग्जाम की तैयारी करिए। कॉलेज लाइफ बहुत मस्त रही है आपकी ग्रेजुएशन की, और मैं चाहूंगा कि आप लोगों की जो मास्टर्स वाली आने वाली लाइफ है वो भी जबरदस्त रहे और बहुत अच्छा अच्छा आप लोग एक्सप्लोर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, टेक केयर।